कांग्रेस विधायक को ही बनाया बीजेपी का मंत्री, ऐसा क्यों बोले जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्री श्रीनिवास यादव को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के विधायक को ही बीजेपी सरकार में मंत्री बना दिया गया है। सरकार को इस्तीफे का इंतजार तो करना चाहिए ही था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को हाल ही में कांग्रेस के विधायकों ने प्रमाण के साथ शिकायत करते हुए रामनिवास यादव की सदस्यता समाप्त करने की मांग की। दूसरी तरफ डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कांग्रेस को ही विधायक को मंत्री पद की शपथ दिला दी है। पहले रामनिवास यादव को इस्तीफा देना चाहिए था। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में लगातार कर्ज में डूबती रही सरकार कर्ज लेकर घी में नहाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ असंवैधानिक रूप से कांग्रेस के विधायक को बीजेपी के मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने चर्चा के दौरान कहा कि वर्तमान में जो भी राजनीतिक कदम उठाए गए हैं वह नियम अनुसार है। बता दें कि विधायक रामनिवास यादव ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए गए न्यू ज्वाइनिंग टोली अभियान में विधायक रामनिवास यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली है। 68 दिन बाद अब उन्हें डॉक्टर मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है।